हाय स्टूडेंट, दिस इज गोविंद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जी स्टडी। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएलएड के कोर्स डिटेल के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएलएड क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस और फीस और सैलरी क्या है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएलएड एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है जो कि 4 साल का होता है, जिसमें 3 साल तक आप एजुकेशनल स्टडी करेंगे और 1 साल जो रहेगा उसमें आपका ट्रेनिंग होता है। बीएलएड के अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो बीएलएड का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। बीएलएड करने के बाद आप गवर्नमेंट टीचर के जॉब के लिए अप्लाई करने के एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसे करने के बाद आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएलएड को पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था। अगर आप पहले से ही ग्रेजुएशन किए हों तो आपको बीएलएड की जगह आप डीएलएड कर सकते हैं, जो कि 2 साल का होता है, जिसे हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। बीएलएड कंप्लीट करने के बाद आपको 2 एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, इसके बाद आप जाके गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे, जिसमें से पहला है टेट और दूसरा है सुपर टेट। जब आप दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तब जाके आप प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी के टीचर बन जाएंगे, जिसमें आप अप्लाई किए होंगे। टेट और सुपर टेट पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। बीएलएड के अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आप 10+2 होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, जैसे कि आर्ट, कॉमर्स या फिर साइंस से। इसमें आपका मिनिमम मार्क 50% होना चाहिए। अगर बीएलएड के एवरेज फीस की बात की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 10 से 30 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर और प्राइवेट कॉलेज में 30 से 60 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर फीस लग सकता है। बीएलएड करने के बाद अगर आप गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं तो आपको 40 हज़ार रुपये से 60 हज़ार रुपये पर मंथ मिल जाएगा। अब हम जान लेते हैं बीएलएड करने के बाद आप कौन सा जॉब कर सकते हैं। बीएलएड करने के बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जॉब कर सकते हैं, जिनमें आप टीचर बन सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी जैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और प्राइवेट जॉब की बात की जाए तो आप प्राइवेट कॉलेज में ट्यूटर बन सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी में जॉब कर सकते हैं। अगर प्राइमरी की बात की जाए तो आप 1 से 5 तक के क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और अपर प्राइमरी में आप 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दोनों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो दोनों सेम है, जिनमें सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले यूपी टेट और फिर सुपर टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। दोनों के ऊपर मैं वीडियो बना रखा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और भी टीचर से रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।